ये है दुनिया और आज है इस दुनिया में न्यू ईयर। तो आइए देखते हैं कौन कौन कैसे कैसे न्यू ईयर मना रहा है। ये भाई साहब तो अपनी दिलरुबा के साथ न्यू ईयर के मजे बोन फायर जला के ले रहे हैं। इन बूढ़े लोगों को तो देखकर लग रहा है ये न्यू ईयर इनका आखिरी न्यू ईयर हो सकता है। इन भाई साहब को देखो, सोते सोते ही व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा रहे हैं हैप्पी न्यू ईयर। अरे इन लोगों को क्या हुआ है, ये सब ऐसे भागा दौड़ी क्यों कर रहे हैं, आखिर ऐसा क्या हुआ है यहाँ, आइए देखते हैं। अबे मोहित रुक जा, तुम कुछ भी कर लो मैं नहीं रुकने वाला। अबे साले रुक जा, टांग दर्द हो गया बीमारी। तुम कुछ भी कर लो आज मैं नहीं रुकने वाला। अबे क्या खा के निकला था सुबह घर से जो इतनी दूर दौड़ आया। बाप की गाली, पर मैंने तो जो कुछ बोला ही नहीं। साले इतना मारूंगा ना कहीं बाप भी नहीं बन पाएगा। सॉरी भाई मैं तो मजाक कर रहा था, जस्ट किडिंग। मोहित भाई बस एक रात की तो बात है, मना लेना अपने बाप को। अबे नहीं यार, मेरा बाप ना रावण का भी बाप है। रावण के तो 10 सर होते हैं लेकिन मेरे बाप के 10 दिमाग है। उनको मनाने का मतलब मछली को पानी में डुबा के मारने जैसा है। ठीक है भाई, अगर तुझे हमारी न्यू ईयर पार्टी में आना है ना तो 3,000 रुपए दे दियो और आ जियो, हम जा रहे हैं। यार तुम लोग तो बुरा मान गए। हाँ और तू चाहता है ना कि हम बुरा ना माने, तू जाके अपने बाप का मना, चल बे गौरव। हाँ भाई रोहित, चल अपन जाके न्यू ईयर की पार्टी का जुगाड़ करते हैं। और इसको अगर न्यू ईयर की पार्टी में आना होगा तो पैसे लेके आ जाएगा, वरना अपने बाप को मना के घर का जुगाड़ करेगा। यार लेकिन तुम लोग भी तो घर का जुगाड़ कर सकते हो ना। तुझे तो पता ही है ना मैं तो किराए के घर पे रहता हूँ। तेरे को मेरा भी पता ही है, मैं जॉइंट फैमिली में रहता हूँ। मेरे घर में दादा दादी मामा मामी काका काकी चाचा चाची सब रहते हैं। हाँ, पता है गिनवा मत, ये तो तेरा खानदान गिनने में न्यू निकल जाएगा। हाँ तो फिर तू अपने बाप को मना, क्योंकि तेरे घर में तू और तेरा बाप ही रहते हैं। और कोई रास्ता नहीं है क्या? हाँ है ना रास्ता, ये रास्ता है जिसपे हम दोनों जा रहे हैं। चल भाई रोहित, और तू प्लीज इस रास्ते पे हमारा पीछा मत करियो। हाँ भाई चल चल। पर भाई सुना तो, ओ भाई जल्दी जल्दी सोचो, रात होने में सिर्फ 6 घंटे रह गए हैं। अबे सोच तो रहे, आइडिया सच्ची दिन की तरह होते हैं जो कभी कभी आते हैं। हाँ पता है लेकिन मेरा बाप भी बुरे दिन की तरह है, इतनी आसानी से जाएगा नहीं। अबे चुप करो यार, तुम दोनों अच्छे दिन बुरे दिन बकवास किए जा रहे हो, नेता हो क्या? अबे नेता तो मेरा बाप था, वो भी एकदम बाहुबली नेता, अभी भी अपने साथ एक कट्टा लेके घूमता है। अबे तो अपने बाप को जाके बोलना कि आज रात भी किसी पार्टी की पार्टी में जाके पार्टी करे। अबे भाई मेरा मतलब है कि तू अपने पापा के पास जाके बोल कि पापा इलेक्शन पार्टी की न्यू ईयर पार्टी हो रही है, आप भी जाओ। हाँ बोल तो सकते हैं। पापा आपको पता है पीछे के मोहल्ले में जनता स्वराज पार्टी ने न्यू ईयर का प्लान किया है। अच्छा तो तुझे कैसे पता है? अरे पापा मेरी बातचीत है उनके साथ। बोलो तो आपको भी पार्टी का इनविटेशन कार्ड दिलवा दूं। आप ऐसे गुस्से में क्यों देख रहे हो? गद्दार, बाप के होते हुए दूसरी पार्टी से हाथ मिलाता है? अरे न्यू ईयर की पार्टी के बारे में तो बोल रहा था मेरे बाप। गद्दार के बच्चे, तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं। अरे तुम्हारी तो औलाद हूँ, छोड़ दो मुझे प्लीज। नहीं छोड़ूंगा तुझे, रुक जा मैं कह रहा हूँ। पापा छोड़ दो, पापा छोड़ दो, पापा प्लीज पापा छोड़ दो पापा। अरे भाई क्या हो गया? कुछ नहीं, लेकिन ये पार्टी की पार्टी में जाने का प्लान कैंसिल, बिल्कुल कैंसिल, कुछ और सोचो। अरे भाई तू इतना डर क्यों रहा है, तेरे बाप तुझे गोली थोड़ा मार देगा। गोली? अबे मेरे बाप को जो मिला गदा तलवार चाकू सब मार देगा।
तेरा बाप पिछले जन्म में कसाई था क्या? पिछले जन्म का तो पता नहीं, पर इस जन्म में तो है। मेरे पास एक आइडिया है भाई। तू एक काम कर, तू अपने पापा को, पापा यहाँ ना बहुत ज्यादा ठंड हो रही है, आप एक काम करो, आप गांव चले जाओ। ठंड बाबा। बोल बेटा। मैं क्या कह रहा था, ठंड बहुत हो गई है। हाँ वो तो दिख रहा है। तो आप गांव चले जाते, मैं नहीं चाहता ठंड की वजह से आपकी तबीयत खराब हो जाए, पर आपको तो पता है ना यहाँ का प्रदूषण की वजह से ठीक से सूरज भी नहीं निकलता। हाँ बेटा, ये तुमने बहुत अच्छी बात की, चल गांव ही चलते हैं। जी, 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 जी। चल बेटा गांव चलते हैं। अरे पापा मुझे नहीं जाना। अरे मैं अकेला गांव जाकर क्या करूंगा, तू भी मेरे साथ गांव चल, चल के गांव में ढूंढ सकेंगे। नहीं नहीं नहीं, चल बेटा चल, नहीं जाना यार। अरे चल बेटा, पापा नहीं जाना, मेरे को गांव नहीं जाना। चल बेटा पापा, अरे मुझे नहीं जाना, अरे गांव चलेंगे बेटा, चल चल बेटा चल, मुझे नहीं बेटा चल, गांव चलेंगे चल चल, पापा मुझे नहीं जाना, मुझे पापा मुझे नहीं जाना, अरे चल चल। अरे मत बताना बाबा, मैं जा नहीं पाने बताना बाबा, जा बाबा जा बाबा। अबे यही हूं। नहीं गया। अरे भाई तू यही रह, गांव का प्लान कैंसिल। भाई मुझे लगता है हम न्यू ईयर नहीं मना पाएंगे। नहीं नहीं भाई ऐसा मत बोल, पूरे एक साल वेट किया है इस दिन का। हाँ भाई, मैंने भी बहुत लोगों की स्टोरी देखी थी पिछले न्यू ईयर पे, इस बार तो मैं भी स्टोरी लगाना चाहता हूँ। हाँ भाई मेरी भी ख्वाहिश है थोड़ी रम पीने की। हाँ और थोड़ा सा चखना खाने की, चिकनी चमेली गाने पे डांस करने की, रात के 12 बजे से पहले का काउंटडाउन करने की। काट दूंगा अगर मेरे पैसे नहीं मिले तो, समझे? बच्चों कैसे हो? बढ़िया अंकल, सब ठीक है अंकल। और मोहित बेटा, दोस्तों को कुछ खिलाया पिलाया क्या? हाँ खाना खा के आए थे ये लोग। मोहित भाई थोड़ा सा पानी पिला दे। तो आज यहाँ सब यार बैठ के क्या कर रहे हो? कुछ नहीं अंकल, बस ऐसे ही। अरे न्यू ईयर आ रहा है, उसका कोई प्लान नहीं है क्या तुम्हारा? नहीं नहीं ना ना, बिल्कुल नहीं। न्यू ईयर में करते ही क्या है लोग। अरे बच्चों नाचना गाना खाना और हो सके तो पी भी लेना। सच्ची? हाँ हाँ, वैसे तो पीनी नहीं चाहिए क्योंकि ठंड बहुत है, और कोल्ड ड्रिंक वैसे भी बहुत ठंडी होती है, और अगर तुम लोगों को सर्दी लगी तो। आप कोल्ड ड्रिंक की बात कर रहे थे? अरे कोल्ड ड्रिंक नहीं तो दूध गर्म कर लेना। मोहित बेटा मेरे से कुछ पैसे ले लियो और घर को थोड़ा सा सजा देना, और अपने दोस्तों को भी बुला लेना पार्टी के लिए, मगर पार्टी घर में ही करना, ठीक है? और हाँ नाचना गाना लेकिन ज्यादा शोर मत मचाना, समझे? भाई यार अब तो तेरे पापा ने खुद ही परमिशन दे दी है न्यू ईयर पार्टी करने के लिए। अब तो रम पिएंगे, पैसा उड़ाएंगे, लड़कियां नचाएंगे और महफिल बनाएंगे, बल्ले बल्ले भाई, बल्ले बल्ले। भाई पापा ने पार्टी के लिए बोला है, रम सम लड़की के लिए नहीं, समझे? हमारा मोहित कितना भोला है। क्या मतलब? हम पार्टी करेंगे जैसे तेरे बाप ने बोली है ना, वैसी वाली भी, और जो हमने सोची है वो वाली भी।
दोस्तों। तो कैसी लगी पार्टी की तैयारी? अरे ब्रो, पार्टी तो एक नंबर की है, पर पीने का क्या प्लानिंग है ब्रो? और नाचने का भी, और नाचने वाली का भी। भाइयों सब मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, बस थोड़ा सा तुम लोगों को यार कोऑपरेट करना पड़ेगा। अरे ब्रो क्या कोऑपरेट की बात करते हो, तुम कहो तो तुम्हारे जान दे दो भाई। तो भाई देखो, प्लान ऐसा है कि अगर मेरे पापा आते हैं तो सब कुछ नॉर्मल होना चाहिए, जैसे कि पार्टी छोटे बच्चों की है। सब समझ गए ना ब्रो? हाँ समझ गए ब्रो। तो ब्रो पार्टी शुरू करें। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते बेटा, आराम से पार्टी करो। ठीक है बेटा। हैप्पी न्यू ईयर बेटा, हैप्पी न्यू ईयर, एंजॉय एंजॉय एंजॉय। हैं बच्चे लगे हैं शाम।
बुड्ढे तूने दूध पीने को बोला था, देख हम दारू पी रहे हैं, पिएगा मीठी है पी ले। मोहित तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। भागा मोहित, मोहित कहाँ है तू? मोहित बाहर निकल। तूने मुझे धोखा दिया है, तू मेरा बेटा हो ही नहीं सकता। मैंने तुझ पे विश्वास करके पार्टी करने की इजाजत दी और तूने मुझे धोखा दिया। इतने सालों से तुझे पाल पोस के इसलिए बड़ा किया था ये दिन देखने के लिए। मैं क्या मुंह दिखाऊंगा बाहर दुनिया को कि मेरा बेटा ऐसा है, मेरे साथ ऐसा करता है। बाहर मैं सबको बोलता हूं मेरा बेटा बिल्कुल मेरे जैसा है, मगर तू तू बिल्कुल भी मेरे जैसा नहीं है। हरामखोर, तू है कहां? कहां छुपा हुआ है तू? बाहर निकल, बाहर निकल। अच्छा तो तू यहां छुपा हुआ है, बाहर निकल हरामखोर, बाहर निकल, बाहर निकल। सॉरी पापा, सॉरी, गलती हो गई, माफ कर दो। गलती होगी? अबे जब तुझे दारू ही पीनी थी तो मुझे क्यों नहीं बुलाया पार्टी में तूने? क्या क्या बोला आपने? मुझे दुख इस बात का नहीं है कि तूने मुझे पार्टी में नहीं बुलाया, मुझे तो दुख इस बात का है कि तू दारू पी रहा था, मुझे फिर भी नहीं बुलाया तूने। आपको दारू पीनी है? और नहीं तो क्या, मैंने कितने दिनों से दारू नहीं पी है बेटा। तो इसलिए गुस्सा हुए थे आप? हाँ, तो तुझे क्या लगा? नहीं नहीं कुछ नहीं। आ जाओ दोस्तों, आज पापा भी हमारे साथ न्यू ईयर की पार्टी करेंगे। हेलो अंकल, पिया तो लाओ और हमें भी पिलाओ। हे गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों में, फैमिली में, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और गाइस, आपको वीडियो का कौन सा पार्ट ज़्यादा अच्छा लगा वो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं जल्दी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।